सारंगखेडा येथे चालू असलेल्या चेतक घोडा महोत्सवात सर्वात कमी वयाचा आणि अकोल्याहून खास सारंगखेडा महोत्सवासाठी आलेला राजबीर सिंग आपल्यासोबत आहे. तो 350 किलोमीटरचा प्रवास करून खास चेतक घोड्यासाठी आलेला आहे. हॅलो राजबीर, मेरा नाम राजबीर सिंह नगर, मैं अकोला से सारंगखेडा घोड़े पे आया हूँ. मेरे घोड़े का नाम बाज है. अच्छा, आप कितने उम्र के थे तब से आपने घोड़े पे घोड़े सवारी स्टार्ट कर दी? मैंने घोड़सवारी चालू की है. मैं अभी 11 साल का हूँ. मैंने 350 किलोमीटर अभी घोड़े पे किए. मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबका थैंकफुल हूँ. अच्छा, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस यहाँ अकोला से विदर्भ में से आप खानदेश में आ गए? मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत हार्ड था. मुझे 2 दिन तक खाना नहीं मिला. क्या चैलेंजेस थे? 2 दिन तक खाना नहीं मिला. मेरे पूरे बॉडी में छाले आ गए थे, पैर में, थाइस पे, और मुझे डिफिकल्टीज बहुत थी. बट मेरे हॉर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और साथ ही साथ हमें 2 दिन तक खाना और टेंट दोनों मिले. अच्छा, कितने दिन तक आप यहाँ हो? एक लास्ट का क्वेश्चन, कितने दिन तक हो? मैं अभी कल निकल जाऊँगा. कौन सा घोड़ा अच्छा लगा आपने सारंगखेडा के फेस्टिवल? सारंगखेडा के फेस्टिवल में सारे बहुत अच्छे घोड़े हैं. बट मैं सबको ये विनंती करता हूँ कि आप सारंगखेडा बिल्कुल आइए, और इधर कमर्शियल बिजनेस की वजह से नहीं, आप एक बॉन्ड बनाने आइए बाकी सब सारे लोगों के साथ. कौन सा घोड़ा अच्छा लगा यहाँ? यहाँ पे सुल्तान और पद्मा. हाँ, होता छोटा सा राजवीर हा छोटासा आपल्यासोबत होता. तो घोड्यावर अतिशय प्रेम करणारा आहे आणि छोट्या या मुलाने दिलेला संदेश आहे की तुम्ही फक्त व्यवसाय करण्यासाठी नका येऊ, तर इथले चांगले घोडे पाहायसाठी या. कॅमेरामन दिनेश सोनवणेसह नील कुलकर्णी, सारंगखेडा, चेतक फेस्टिवल, चेतक नगरी, धुळे. थँक्यू.